हेलो स्टूडेंट, माई सेल्फ कुलदीप राठौर, टीम मैथमेटिक्स सी एल सी सीकर। वी आर गोइंग टू स्टार्ट योर डी सी एम नंबर 42 मैथ सेक्शन, जेई मेन सेक्शन देखते हैं अभी। सबसे पहले उसमें क्या है, 20 क्वेश्चन है, 15 क्वेश्चन है सिंगल चॉइस, और फर्स्ट क्वेश्चन है इसमें साइन एक्स इंटीग्रेशन करना है, 0 to π साइन एक्स अपॉन 1 + कोस स्क्वायर एक्स डी एक्स, ये इसके इक्वल आ रहा है। तो अपने को फाइंड आउट करना है कि अल्फा की वैल्यूज क्या आएगी। सबसे पहले इसको लिख लेते हैं क्या आ रहा है इंटीग्रेशन। देखो साइन पाई माइनस एक्स कितना होता है, साइन एक्स, और कोस पाई माइनस माइनस कोस एक्स होता है, लेकिन स्क्वायर करेंगे तो एज इट इज आ जाएगा। तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, एफ ओ 2a माइनस एक्स वाला फॉर्मूला लग जाएगा ये। तो इंटीग्रेशन 0 to π/2 टू टाइम साइन एक्स अपॉन 1 + कॉस स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स किसके इक्वल है, पाई कॉस अल्फा अपॉन 1 + साइन स्क्वायर अल्फा। कॉस एक्स को टी मान लेंगे तो ये क्या है, डी टी, माइनस का डी टी, कॉस एक्स इक्वल टू टी। साइन एक्स कितना हो गया, साइन एक्स डी एक्स इक्वल टू माइनस डी टी। जीरो कॉस जीरो कितना होता है, 1, और कोस पाई बाय टू 0, 2 बाहर एज इट इज है, माइनस डी टी अपॉन 1 + टी स्क्वायर इक्वल टू पाई इंटू कॉस अल्फा अपॉन 1 + साइन स्क्वायर अल्फा। देखो इसको 0 to लिमिट चेंज करेंगे तो माइनस हट जाएगा, टेन इनवर्स इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा, टेन इनवर्स टी कहाँ से कहाँ तक, 0 to 1 पाई, और ये चीज एज इट इज आ जाएगी, 1 + साइन स्क्वायर अल्फा। अब आगे देखो इसमें क्या करना है, अपने को लिमिट पुट करनी, टेन इनवर्स 1, टेन इनवर्स 1 कितना हो गया, π/4 माइनस 0, ये कितना हो गया π/4 इक्वल टू कॉस अल्फा अपॉन 1 + साइन स्क्वायर अल्फा। देखो π/2 यहाँ से 2 एक पाई हो रहा है साथ में, यहाँ ये पाई और पाई कैंसिल, यहाँ पे 2 उधर मल्टीप्लाई कर देंगे, 1 + साइन स्क्वायर अल्फा इधर आ जाएगी, तो 1 + साइन स्क्वायर अल्फा, और इधर कितना आएगा 2 cos α। साइन स्क्वायर अल्फा को भी मैं चेंज कर देता हूँ किसमें, कॉस स्क्वायर अल्फा, 1 - कॉस स्क्वायर अल्फा इक्वल टू 2 cos α। कॉस स्क्वायर अल्फा को इधर ले आओ, कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस 2 cos α माइनस 2 इक्वल टू 0। अब कॉस अल्फा के वैल्यू निकाल लेते हैं डायरेक्ट फॉर्मूले से, माइनस b प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर 4 माइनस 4ac, 4 × 2 × 1 तो कितना हो गया 8 अपॉन 2 × 1। यहाँ से 4 कॉमन लेंगे, बाहर 2 आएगा, 2 से 2 कैंसिल, तो -1 + माइनस रूट ऑफ 3, 2 + 1 = 3, तो एक तो आंसर आ जाएगा अपना √3 - 1, और दूसरा क्या आएगा, -√3 - 1। ये तो देखो -1 से छोटा है, तो कोस अल्फा का वैल्यू -1 से छोटा हो नहीं सकता। दूसरा आंसर क्या आएगा अपने पास में, √3 - 1 ये आएगा। कॉस अल्फा का ग्राफ क्या होता है, ऐसा होता है √3 - 1 कहाँ पे, यहाँ पे, ये कौन सा पॉइंट अपना पाई, एक जगह कट करा है 0 से π में। इसमें देखो क्या पूछा है, 0 से π में अल्फा एग्जैक्टली टू वैल्यूज, ये वन वैल्यूज आ रही है अपने, टू वैल्यूज नहीं आ रही, फॉर एटलीस्ट 1 in π/2 to π, ये भी गलत हो गया, फॉर एग्जैक्टली 1 α in 0 से π/2, तो फोर्थ ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा अपना। कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, फोर्थ ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है इसमें अपना, क्वेश्चन नंबर 2, कंसीडर द इंटीग्रल्स I1, I2, I3, I4, चार इंटीग्रल्स अपने को गिवन है, अपने को कंपेयर करना है कौन सा ज़्यादा है कौन सा कम है, या फिर ऑर्डर डिसाइड करना है। अब अपने को लिमिट में x का वैल्यू पता है, देखो 0 to 1, यहाँ पे देखो x है, यहाँ पे एक्स स्क्वायर है, यहाँ पे एक्स की स्क्वायर बाई टू, यहाँ पे भी एक्स स्क्वायर बाई टू। जी 0 से 1 में x है ना, एक्स स्क्वायर से बड़ा होता है, और एक्स स्क्वायर बाई टू से बड़ा होता है, और अगर माइनस से मल्टीप्लाई कर दूँ तो मैं साइन चेंज हो जाएगा इनइक्वालिटी का, -x² / 2। जी अब मैं क्या कर रहा हूँ, कोस स्क्वायर एक्स से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ इन तीनों, माइनस कोस स्क्वायर एक्स, क्या है पॉजिटिव नंबर है कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इंटू एक्स, अभी अभी कोस स्क्वायर से मल्टीप्लाई नहीं करना अपने को,
अभी तो e की पावर में लेके जाना है इसको, तो e की पावर माइनस एक्स, e की पावर इंक्रीजिंग फंक्शन है, e की पावर माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन टू। अब क्या कर रहे हैं अपन, कॉस स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, कॉस स्क्वायर, और कॉस स्क्वायर हमेशा वन से छोटा रहता है, तो कॉस स्क्वायर से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा, e की पावर माइनस एक्स कॉस स्क्वायर एक्स, e की पावर माइनस एक्स स्क्वायर कॉस स्क्वायर एक्स, और e की पावर माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन टू कॉस स्क्वायर एक्स, और ये किससे छोटा हो जाएगा, e की पावर माइनस एक्स स्क्वायर बाई टू से। अब इसके ऊपर इंटीग्रेशन लगाना है अपने को, कोई फर्क पड़ेगा ना, इंटीग्रेशन लगाएंगे जो बड़ा है वो बड़ा रह जाएगा, तो ये वाला इंटीग्रेशन कौन सा पड़ेगा अपना आई फोर, और ये वाला e की पावर माइनस एक्स स्क्वायर बाई टू इंटू कॉस स्क्वायर, तो ये बन जाएगा आई थ्री, उससे छोटा आई टू और सबसे छोटा आई वन, तो कौन सा ऑप्शन सही हो गया अपना, थर्ड ऑप्शन करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर थर्ड, इसमें एक आपको पैटर्न दिया हुआ है, पैटर्न की एक सीरीज दी हुई है, रूट के पे रूट, रूट पे रूट लगे हुए हैं, तो वाई मान लेते हैं, इसको क्या है रूट ऑफ एक्स। अब देखो इसको भी देखे तो ये भी क्या है एक तरह से वाई, ये इनफाइनाइट तक जा रहे हैं, एक टर्म कम कर देंगे तो भी इनफाइनाइट ही रहेगा, स्क्वायरिंग कर देंगे तो वाई स्क्वायर इक्वल टू एक्स प्लस वाई, वाई स्क्वायर माइनस वाई माइनस एक्स इक्वल टू जीरो, इसके रूट क्या क्या आ जाएंगे, वाई इक्वल टू वन प्लस माइनस रूट ऑफ वन प्लस फोर एक्स अपॉन टू, तो वाई के दो वैल्यू आ जाएंगे अपने पास में, एक तो वाई वन प्लस रूट ऑफ वन प्लस फोर एक्स अपॉन टू, और दूसरा वन माइनस रूट ऑफ वन प्लस फोर एक्स अपॉन में टू। अब देखो ये वाली चीज है ना, एक्स पॉजिटिव है इसमें दिख रहा है जीरो से टू, तो ये क्या हो गया वन से बड़ा, वन से बड़ा नंबर इसमें से माइनस होगा तो नेगेटिव आ गया, यहाँ पे देखा जाए तो वाई क्या है पॉजिटिव, क्योंकि रूट की रूट में आ रहा है ना सारा का सारा वैल्यू, तो ये वाला तो वैल्यू कैंसिल हो गया, तो वाई का वैल्यू क्या हो गया ये। अब इसको इंटीग्रेट करना है अपने को, तो वन बाई टू इंटीग्रेशन ऑफ वाई जीरो टू टू, तो वन प्लस रूट ऑफ वन प्लस फोर एक्स इंटू डी एक्स, इसका इंटीग्रेशन क्या आएगा वन बाई टू, वन का करेंगे तो एक्स, टू लिमिट लगा देंगे टू माइनस जीरो, तो क्या आ जाएगा टू, और वन प्लस फोर एक्स का क्या आएगा वन प्लस फोर एक्स, और इसकी पावर वन बाई टू है तो पावर कितनी आ जाएगी थ्री बाई टू अपॉन थ्री बाई टू और डिवाइडेड बाई फोर, तो कितना हो गया ये टू, और लिमिट क्या लगानी है जीरो से टू में, देखो क्या बनता है, वन बाई टू तो बाहर है ही, टू प्लस ये कितना बन रहा है टू, लिमिट में टू रखेंगे तो ये हो जाएगा एट प्लस वन नाइन, नाइन कितना थ्री का स्क्वायर, तो थ्री का स्क्वायर थ्री ट्वेंटी सेवन बाई सिक्स माइनस जीरो रखेंगे तो वन बाई सिक्स, ये कितना आ गया ट्वेंटी सिक्स, ट्वेंटी सिक्स मीन्स थर्टीन अपॉन थ्री, तो वन प्लस थर्टीन अपॉन सिक्स आ जाएगा, थर्टीन तो कितना आ जाएगा नाइनटीन अपॉन सिक्स, कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, इसमें क्वेश्चन नंबर फोर्थ, द फंक्शन एफ एक्स विच सेटिस्फाई द रिलेशन, ये फंक्शन है और वो किस रिलेशन को सेटिस्फाई कर रहा है, ये कोई रिलेशन है, अब देखो इसके अंदर e की पावर x है, ये तो बाहर आ जाएगा क्योंकि t के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएशन है, तो क्या आ गया एफ एक्स इक्वल टू e की पावर x प्लस e की पावर x बाहर आया इंटीग्रेशन जीरो टू वन एफ टी डी टी, अब देखो ये क्या है कॉन्स्टेंट है एक तरह से, तो इसको क्या मान लेता हूँ मैं लैम्डा, तो लैम्डा इक्वल टू इंटीग्रेशन जीरो टू वन एफ टी डी टी, तो एफ एक्स क्या आ गया अपने पास में e की पावर x तो कॉमन आ गया और वन प्लस लैम्डा, अब ये एफ एक्स यहाँ पे रख दो तो कितना आएगा इंटीग्रेशन जीरो टू वन एफ टी e की पावर t इंटू दिस, तो वन प्लस लैम्डा तो बाहर रह जाएगा और e की पावर एक्स टी डी टी इक्वल टू एक किसके इक्वल है लेमडा के इक्वल, e की पावर t का इंटीग्रेशन भी e की पावर t, डिफ्रेंशिएशन भी e की पावर t, वन लिमिट रखेंगे तो e की पावर वन माइनस वन, तो e माइनस वन इंटू वन प्लस लैम्डा इक्वल टू लैम्डा, तो यहाँ से अपने को किसकी वैल्यू निकालनी है लैम्डा की वैल्यू निकालनी है,
लैम्डा की वैल्यू क्या आ जाएगी, देखो ई माइनस वन तो उधर बन जाएगा और इधर कितना आ जाएगा लैम्डा के साथ में, वन माइनस ई माइनस वन इंटू लैम्डा, तो ये कितना आ गया टू माइनस ई, तो लैम्डा का वैल्यू कितना आ गया ई माइनस वन अपॉन टू माइनस ई। और अब अपने को लैम्डा प्लस वन चाहिए ना एफ एक्स कैलकुलेट करना है, तो लैम्डा प्लस वन क्या आ जाएगा यहाँ से ई माइनस वन अपॉन टू माइनस ई प्लस वन, ये ऐड कर दो इनको ई माइनस ई और ई कैंसिल हो जाएगा, तो वन अपॉन टू माइनस ई किसका वैल्यू है लैम्डा प्लस वन का, और लैम्डा प्लस वन को अपन ई की पावर एक्स से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ई की पावर एक्स अपॉन टू माइनस ई, कौन सा ऑप्शन मैच हो जाएगा अपना फर्स्ट ऑप्शन मैच हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना इसमें फोर्थ के बाद में फिफ्थ क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर फिफ्थ में क्या है एम कोई इंटीग्रेशन है और एन दूसरा इंटीग्रेशन है, इनमें रिलेशन फाइंड आउट करना है अपने को, कुछ रिलेशन है और यहाँ पे एक जी आई एफ भी इंट्रोड्यूस कर रखा है इन्होंने। और देखो लिमिट में क्या चेंज हो रहा है, जीरो से टू है वहाँ पे माइनस टू से जीरो है, तो इसमें अपन एक्स की जगह माइनस एक्स रख दे, माइनस टी या एक्स कुछ और रख दो, तो एम इक्वल टू माइनस टी रखूंगा तो लिमिट क्या हो जाएगी टू टू जीरो, और एक्स की जगह माइनस टी रखा है तो डी एक्स क्या हो जाएगा माइनस डी टी, तो एक माइनस हो रहेगा और उसको मैं लिमिट पलट देता हूँ, तो लिमिट क्या हो जाएगी जीरो से टू मॉड साइन एक्स साइन टी अपॉन माइनस टी अपॉन पाई प्लस वन बाई टू इंटू डी टी, ये आएगा तो यहाँ पे माइनस टी आएगा माइनस बाहर आएगा, मोड के अंदर है कोई फर्क नहीं पड़ना उसका, तो वो मोड के हैंडल कर लेगा जीरो से टू। अब देखो ये माइनस एक्स है तो इसको क्या लिख सकते हैं जीरो से टू मॉड साइन टी अपॉन माइनस वन माइनस टी अपॉन पाई प्लस वन बाई टू डी टी, माइनस वन प्लस वन बाई टू तो माइनस वन बाई टू, और माइनस कॉमन ले लेंगे तो क्या आ जाएगा एन आ जाएगा, तो एम का वैल्यू कितना आ गया माइनस एन के इक्वल, तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा अपना सेकंड वाला ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर सिक्स देखते हैं अब इसके बाद में, क्वेश्चन नंबर सिक्स क्या है एक इंटीग्रेशन है ए, इसके इक्वल है जीरो टू वन ई की पावर टी अपॉन टी प्लस वन इंटू डी टी, और ये वाला इंटीग्रेशन का वैल्यू अपने को फाइंड आउट करना है, तो क्या कर लेते हैं यहाँ पे टी एक्स्ट्रा आ रहा है, टी स्क्वायर की जगह टी करना है तो टी स्क्वायर को पहले टी इसी को हटा देते हैं, इसको मान लेते हैं एक्स, तो टू टी डी टी कितना हो गया डी एक्स, तो टी डी टी का वैल्यू कितना आ गया वन अपॉन टू डी एक्स, और टी तो हट गया ई की पावर एक्स अपॉन एक्स प्लस वन। अब लिमिट चेक करते हैं टी की जगह एक्स की जगह टी की जगह जीरो रखेंगे एक्स का वैल्यू जीरो, और टी की जगह वन रखेंगे तो एक्स का वैल्यू वन का स्क्वायर वो भी वन होता है, अब ये क्या बन गया ए, तो कितना आ गया वन बाई टू इंटू ए, सेकेंड ऑप्शन अपना यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना क्वेश्चन नंबर सेवन, एफ एक्स दिया हुआ है इंटीग्रेशन जीरो टू एक्स वन अपॉन टी डी टी, तो इसमें पूछा है कि एफ एक्स क्या होगा और उसका कुछ रिलेशन पूछा है, तो देखो वन अपॉन टी का इंटीग्रेशन क्या होता है लॉग टी, लॉग टी पे लिमिट लगानी है वन टू एक्स एफ एक्स इक्वल टू लॉग एक्स माइनस लॉग वन, वो क्या होता है लॉग वन जीरो, तो एफ एक्स क्या आ गया अपना लॉग एक्स। अब देखो लॉग एक्स के लिए कौन सी प्रॉपर्टी फुलफिल होती है ये वाली, थर्ड ऑप्शन इसमें करेक्ट हो गया। क्वेश्चन नंबर है एट्थ, नेक्स्ट अपना इफ एफ इज ए फंक्शन विथ पीरियड पी देन ए टू ए प्लस पी, देखो अपने को निकालना है ये ए, यहाँ पे ए है यहाँ पे ए प्लस पी है, इस टाइप का ये इंटीग्रेशन पी क्या है इसका पीरियड है, ये मान लेते हैं जीरो और ये मान लेते हैं अपना ए, तो इंटीग्रेशन पूछ रहा है अपने को यहाँ से यहाँ निकालो या यहाँ से यहाँ निकालो ए के जितना आएगा, तो इंटीग्रेशन ए टू ए प्लस पी ये किसके इक्वल आ जाएगा इंटीग्रेशन जीरो टू ए, ए की जितनी डिस्टेंस है ये भी ए है ए माइनस जीरो ए, और ये भी पी प्लस ए प्लस पी माइनस ए, तो कितना हो गया सॉरी ये पी है पी से ए प्लस पी, तो ये भी सेम आ जाएगा, ठीक है तो कौन सा ऑप्शन आ जाएगा जीरो टू ए, ये किसके इक्वल आ जाएगा जीरो टू पी हो जाएगा, सॉरी ये जीरो टू पी है जीरो टू पी, तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा जीरो टू पी एफ एक्स
dx, तो किससे इंडिपेंडेंट हो गया, इंडिपेंडेंट ऑफ ए हो गया, क्वेश्चन नंबर 8th, क्वेश्चन नंबर 9th में चल रहा है। बेसिकली ये डायरेक्ट फॉर्मूला ही था एक तरह से, माइनस पाई टू पाई, क्वेश्चन नंबर 9th में एक इंटीग्रेशन है माइनस पाई टू पाई कॉस पी एक्स माइनस साइन क्यू एक्स का स्क्वायर डी एक्स इज इक्वल्स टू, इस इंटीग्रेशन को फाइंड आउट करना है। तो पहले तो अपन क्या करते हैं, इसी को स्क्वायर को ओपन कर देते हैं, क्योंकि स्क्वायर के अंदर तो कुछ इंटीग्रेशन कर नहीं पाएंगे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो का। कॉस स्क्वायर पी एक्स प्लस साइन स्क्वायर क्यू एक्स और माइनस टू कॉस पी एक्स साइन क्यू एक्स इंटू डी एक्स। देखो ये तो दोनों कैसे है, इवन फंक्शन है स्क्वायर, और ये भाई साहब कैसे है ऑड फंक्शन। माइनस पाई टू पाई में इंटीग्रेशन करेंगे ऑड फंक्शन का क्या हो जाएगा, जीरो। तो अपने पास में ले देगा क्या बचा, माइनस पाई टू पाई, लेकिन इवन फंक्शन पे लगाएंगे तो वो कितना हो जाएगा, टू टाइम जीरो टू पाई कॉस स्क्वायर पी एक्स, कॉस स्क्वायर पी एक्स प्लस साइन स्क्वायर क्यू एक्स इंटू डी एक्स। अब देखो टू से मल्टीप्लाई करूंगा, टू कॉस स्क्वायर पी एक्स को क्या लिख सकता हूँ, वन प्लस कॉस टू पी एक्स, और टू साइन स्क्वायर क्यू एक्स को वन माइनस कॉस टू क्यू एक्स, कहाँ से कहाँ तक, जीरो से पाई तक साथ में डी एक्स। वन प्लस वन ये तो हो गया टू, और टू का इंटीग्रेशन करेंगे जीरो से पाई में तो कितना आ जाएगा, टू पाई, और बाकी का इंटीग्रेशन करोगे लिमिट लगा के तो वो दोनों क्या आ जाएंगे, जीरो जीरो। आंसर कितना आ जाएगा, टू पाई, ऑप्शन नंबर 4th। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना क्वेश्चन नंबर 10, टेन इनवर्स 2x माइनस 1 अपॉन 1 प्लस x माइनस x स्क्वायर, इसका इंटीग्रेशन करना है 0 टू 1 में। तो पहले तो इसको सिंप्लीफाई करते हैं, ये नीचे कितना बन रहा है अपने पास में, 1 प्लस x कॉमन लेंगे तो क्या आ जाएगा, 1 माइनस x, ऊपर देखो 2x माइनस 1, तो एक तो x लिख लेता हूँ और दूसरा क्या है, x माइनस 1, माइनस 1 कॉमन ले लूँगा तो उसमें से 1 क्या आ जाएगा, 1 माइनस x, और बाहर क्या लग रहा है, टेन इनवर्स। अब देखो टेन इनवर्स x माइनस वाई अपॉन 1 प्लस एक्स वाई, तो क्या किसके इक्वल हो जाएगा, टेन इनवर्स x माइनस टेन इनवर्स ऑफ 1 माइनस एक्स, इसका इंटीग्रेशन करना है 0 से 1 में, तो दोनों जगह इंटीग्रेशन लगा देते 0 टू 1 डी एक्स, 0 टू 1 डी एक्स। देखो बेसिकली ये भी क्या है, टेन इनवर्स x, ये भी टेन इनवर्स x, ए माइनस एक्स वाला फॉर्मूला लगाएंगे तो ये और ये दोनों एक दूसरे में कन्वर्ज हो जाएंगे, और दोनों का वैल्यू कैसा है, सेम आता है, और तो जी सेम माइनस सेम, कैसा आंसर हो जाएगा, जीरो। क्वेश्चन नंबर 11th पे चलते हैं, इवैल्यूएट इंटीग्रेशन 0 टू 1 लॉग कॉट ए प्लस टेन एक्स डी एक्स, इसका इंटीग्रेशन करना है अपने को 0 टू ए में, तो पहले तो कॉट ए है टेन ए है, इनको साइन कोस में चेंज कर लेते हैं, पता चल जाएगा आगे क्या करना है। 0 टू ए एलन कोट ए क्या होता है, कॉस ए अपॉन साइन ए, और टेन एक्स क्या होता है, साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स, तो एक में तो नीचे आ रहा है साइन ए और दूसरे में आ रहा है कॉस एक्स, तो ये तो एलसीएम हो गया, कॉस एक्स तो इससे मल्टीप्लाई होगा कॉस एक्स इंटू कॉस ए और प्लस साइन एक्स इंटू साइन ए। देखो इसको कोस ऑफ ए माइनस एक्स लिख सकते हैं, एक्स माइनस ए लिखेंगे वो तो नेगेटिव हो जाएगा, तो ए माइनस एक्स लिखते एल एन कॉस ऑफ ए माइनस एक्स, लॉग के अंदर नेगेटिव नहीं लिखेंगे इसलिए एक्स माइनस ए नहीं लिख सकते, तो ए माइनस एक्स साइन ए कॉस एक्स इंटू डी एक्स, और कहाँ से कहाँ तक, जीरो टू ए। अब देखो कॉस एम अपॉन कुछ जो भी फॉर्मूले की यूज अकॉर्डिंग कर लेंगे अपन, एल एन कॉस ऑफ ए माइनस एक्स आएगा एक तो इंटू डी एक्स माइनस एल एन साइन ए इंटू डी एक्स और माइनस एल एन कॉस एक्स इंटू डी एक्स, और लिमिट लगानी है हर में जीरो टू ए, जीरो टू ए और जीरो टू ए। देखो ये और ये तो दोनों सेम है, तो ये और ये तो कैंसिल हो गए, ए माइनस एक्स और ए, इसमें भी ए माइनस एक्स कर सकते थे, ये तो इक्वल हो जाएंगे, और इसमें
अपने पास में डी एक्स अकेला, ये तो कॉन्स्टेंट है, ये बाहर आ जाएगा, और डी एक्स का इंटीग्रेशन करना है 0 to a में, तो वो कितना आएगा, ए। आंसर क्या हो जाएगा अपना, -a ln sin of a। तो कौन सा ऑप्शन सही है इसमें, सेकंड ऑप्शन सही, -a ln sin of a। क्वेश्चन नंबर 12 पे चलते हैं। sin² x + sin² x cos⁴x। देखो इसके अंदर अपने पास में पहली बात तो इनका पीरियड कितना है, पाई पाई है, तो टेन पाई को अपन कैसे लिख सकते हैं, 0 to π sin² x cos⁴x dx। अब देखो इसके अंदर पाई माइनस थीटा रखेंगे, पाई माइनस एक्स रखोगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो 2a, 0 to 2a वाली प्रॉपर्टी लग जाएगी, वो कितना हो जाएगा, 10 × 2 बाहर आ जाएगा, तो ये हो गया 20, और लिमिट कितनी हो जाएगी, 0 to a, तो ये कितनी होगी, पाई बाई टू sin² x cos⁴x dx। अब देखो इसमें लगा सकते हैं अपन कौन सा फॉर्मूला, वाली इस फॉर्मूला, तो कितना आ जाएगा, 20, 2 - 1 इसके लिए, तो और फिर इसके लिए 4 - 1 और 4 - 3 अपॉन में m + n 6 और 6 - 2 6 - 4 और साथ में क्या आता है, इवन में 5/2। देखो ये कितना हो गया, 4 और वो 2, तो 1 × 3 × 1 अपॉन 6 × 4 = 2 π/2 × 20, तो ये कितना हो गया, 5 2, कितना हो गया, 5 π/2 × 2 8, 5 π/8। कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, सेकंड ऑप्शन सही। क्वेश्चन नंबर 13 पे चलते हैं। इंटीग्रेशन करना है 0 से π/4 sec x into ये, तो पहले तो लिख लो इसको, 0 से π/4 sec x को तो मैं लिख देता हूँ 1/cos x, और ये क्या है, sin x/2 - cos x/2 उसका होल स्क्वायर है ना, इसको लिख देते हैं cos x/2 या sin x/2 माइनस इसका स्क्वायर, और नीचे वाला sin x/2 या cos x/2 प्लस इसका होल स्क्वायर, और इनका क्या लेना है अपने को, कंप्लीट स्क्वायर। अब देखो दोनों का मोड हटेगा तो दोनों में क्या आएगा, सॉरी रूट हटेगा तो दोनों में मोड आएगा, तो इसमें तो देखो डायरेक्ट अपने को पता चल रहा है, ये भी पॉजिटिव, पॉजिटिव प्लस पॉजिटिव, तो डायरेक्ट मोड हट जाएगा, लेकिन इसमें पता लगाना पड़ेगा cos x/2 sin x/2 में से कौन सा बड़ा है। 0 से π/4 में अपने को पता है 0 से π/8 हो जाएगा एक्स का वैल्यू, 0 से π/8 के अंदर क्या बड़ा होता है, कोस का ग्राफ ऊपर होता है, साइन का नीचे होता है, तो कोस बड़ा साइन छोटा, तो ये क्या आ जाएगा, cos x/2 - sin x/2। 0 से π/4 इधर क्या आ जाएगा, cos x/2 - sin x/2, और नीचे क्या आ गया अपने पास में, cos x/2 + sin x/2, ठीक है, into dx। अब देखो इस cos x को क्या लिख रहा हूं, 1/cos²x/2 - sin²x/2। ये देखो इसमें क्या है, cos x/2 - sin x/2 एक फैक्टर होगा, वो कैंसिल हो जाएगा, दूसरा फैक्टर क्या बचेगा, ये वाला सेम, तो नीचे हो जाएगा स्क्वायर, और इसका स्क्वायर करने में अपने को बताइए आ रहा है, इसी को तो लिया है अपन ने, तो क्या हो जाएगा अपने पास में, इंटीग्रेशन 0 से π/4 dx अपॉन 1 + sin of x, और इसको चेंज करेंगे तो किस में चेंज करें, 10x/2 में, तो इधर क्या आ जाएगा ऊपर में, 2 sin x/2 अपॉन 1 + tan²x/2, 1 + tan²x/2 ऊपर जाएगा तो कितना बन जाएगा, sec²x/2 अपॉन 1 + tan²x/2, यहां पे आएगा +2 tan²x/2, तो ये क्या बन गया, 1 + tan²x/2 का ऑल स्क्वायर। इंटीग्रेशन करना है 0 से π/4 dx। देखो tan x/2 को t मानेंगे अपन तो कितना आ जाएगा, sec²x/2 × 1/2, तो 2 उधर चला जाएगा, तो ये क्या जाएगा, 2 टाइम इंटीग्रेशन
जीरो रखेंगे तो जीरो, और टेन पाई बाई एट, टी का वैल्यू टेन पाई बाई एट वो कितना होता है रूट टू माइनस वन, डी टी अपॉन वन प्लस टी का ऑल स्क्वायर, ये कितना आ जाएगा माइन टू तो बाहर आएगा, माइनस वन अपॉन टी आएगा, वन प्लस टी जी वन जीरो से रूट टू माइनस वन, रूट टू माइनस वन रखेंगे तो कितना आ जाएगा वन अपॉन रूट टू माइनस टू, वन अपॉन रूट टू और ये जीरो रखेंगे तो माइनस रूट माइनस, इससे मल्टीप्लाई कर दो टू से तो ये कितना आ गया माइनस रूट टू और प्लस का टू, तो कितना आंसर आ जाएगा टू माइनस रूट टू, तो कौन से ऑप्शन में सही है ये वाला, इस वाले ऑप्शन से थर्ड ऑप्शन इसमें अपना करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14 में चलते हैं, स्टेटमेंट दो देखो, स्टेटमेंट वन में कुछ है स्टेटमेंट टू में कुछ है तो उनको सिंप्लीफाई करना है। स्टेटमेंट वन में देखो x की जगह माइनस एक्स रखो, ये पॉजिटिव 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 सब कुछ पॉजिटिव, लेकिन ये वाला नेगेटिव हो जाएगा, तो x की जगह माइनस एक्स रखने में ओवरऑल क्या आ रहा है नेगेटिव आ रहा है, इसका मतलब कैसा है ये ऑड फंक्शन, और ऑड फंक्शन का इंटीग्रेशन क्या आएगा माइनस पाई से पाई में जीरो, तो स्टेटमेंट वन तो करेक्ट है। स्टेटमेंट टू चेक करना है, इंटीग्रेशन करना है साइन एक्स प्लस कोस एक्स इंटू साइन स्क्वायर एक्स कोस स्क्वायर एक्स इसका, तो मैं क्या करता हूँ सबसे पहले ले लेता हूँ साइन एक्स माइनस कोस एक्स ले लेता हूँ, इसको क्या मान लेता हूँ टी, इसका डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो क्या आएगा कोस एक्स, साइन एक्स का कोस एक्स और कोस एक्स का माइनस साइन एक्स, तो प्लस साइन एक्स इंटू डी एक्स डी टी। अब ये देखो ये क्यों किया मैंने, ये वाला साइन एक्स प्लस कोस एक्स इंटू डी एक्स इंटू, तो इसकी जगह क्या लिख सकता हूँ मैं डी टी, बट ये साइन स्क्वायर एक्स कोस स्क्वायर एक्स इसको भी तो रिप्लेस करना पड़ेगा ना, तो इसके लिए अपन क्या करते हैं इसका स्क्वायरिंग कर देता हूँ, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कोस स्क्वायर एक्स तो वो क्या हो जाएगा वन और माइनस टू साइन एक्स कोस एक्स, तो आ गया साइन एक्स कोस एक्स इक्वल टू टी स्क्वायर, तो साइन एक्स कोस एक्स का वैल्यू कितना आ गया अपने पास में वन माइनस टी स्क्वायर अपॉन टू, साइन एक्स कोस एक्स का वैल्यू ये रख देंगे और उसकी जगह डी टी रख देंगे, तो इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा पहले तो देखो जीरो रखेंगे तो जीरो की जगह लिमिट क्या आएगी माइनस वन, पाई बाई टू रखेंगे तो क्या आएगी लिमिट अपने पास में वन, तो माइनस वन से वन में इंटीग्रेशन करना है किसका इसके स्क्वायर का, साइन स्क्वायर एक्स कोस स्क्वायर एक्स उसका स्क्वायर बाहर तो कुछ है नहीं, वन माइनस टी स्क्वायर अपॉन टू का होल स्क्वायर इंटू डी टी, ये तो देखो बाहर कितना आ जाएगा वन बाई फोर, तो वन माइनस टू टी स्क्वायर प्लस टी पावर फोर, इसका इंटीग्रेशन करना है कहाँ से कहाँ तक माइनस वन से वन तक, वन बाई फोर इसमें बाहर इंटू डी टी, वन का इंटीग्रेशन करेंगे तो कितना आ जाएगा x और वन माइनस माइनस वन तो टू आ जाएगा इसमें, तो माइनस टू इंटू टी स्क्वायर तो क्या बन जाएगा टी क्यूब बाई थ्री, टू बाई थ्री टी क्यूब वन माइनस वन तो ये भी कितना हो जाएगा टू, प्लस टी पावर फाइव अपॉन वन तो ये भी कितना आ जाएगा तो टू से टू कॉमन आके वन बाई टू बाहर बच गया, अंदर कितना है वन माइनस टू बाई थ्री प्लस वन बाई फाइव तो ये कितना है वन बाई थ्री और वन बाई थ्री प्लस वन बाई फाइव तो कितना हो गया एट अपॉन फिफ्टीन, एट अपॉन फिफ्टीन इंटू वन बाई टू तो कितना आ गया एट से कैंसिल हो जाएगा टू तो कितना आ गया फोर अपॉन 15, तो क्या आ रहा है 4 अपॉन 15 ही आ रहा है ये देखो, तो दूसरा स्टेटमेंट भी ट्रू है, तो कौन सा ऑप्शन मैच करेंगे, स्टेटमेंट वन में बोल रहा है करेक्ट एक्सप्लेनेशन, तो एक्सप्लेनेशन तो इनका तो कोई लिंक ही नहीं है, एक्सप्लेनेशन तो कहाँ से होगी, तो स्टेटमेंट वन इज ट्रू स्टेटमेंट टू इज ट्रू, तो सेकेंड वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं अपना सेक्शन ए का 15 क्वेश्चन, और इसमें क्या है एक है इंटीग्रेशन ए उसका वैल्यू फाइंड आउट करना है अपने को, इंटीग्रेशन में क्या दे रखा है वन टू इनफाइनाइट में इंटीग्रेशन करना है किसका कोसेक इनवर्स एक्स के बॉक्स का, तो कोसेक इनवर्स एक्स का ग्राफ कैसा होता है अपने को पता है, जैसे
ये क्या है अपना वन है और ये पॉइंट क्या है पाई बाई टू। ऐसा ग्राफ होता है कोसेक इनवर्स का, और इधर भी कुछ ऐसा होता है। अपने को इधर वाला ही चाहिए, यहाँ कहीं पे एक पॉइंट होगा कोसेक वन और वो मैं इसके अंदर रखूंगा तो यहाँ पे वैल्यू कितनी आ जाएगी इसकी वन। इसके बाद में यहाँ पे ये क्यों कट किया, क्योंकि यहाँ पे बॉक्स का वैल्यू इसके क्या आएगा वन और इसके आगे बॉक्स का वैल्यू आ जाएगा जीरो। तो कोसेक इनवर्स एक्स का इंटीग्रेशन करना है ई वन से कोसेक वन, इसमें तो इसका बॉक्स क्या आएगा वन तो डी एक्स और उसके बाद में कोसेक वन से इनफाइनाइट तक वो क्या आ जाएगा जीरो इंटू डी एक्स। तो ये तो जीरो हो गया और इसका करेंगे तो एक्स कोसेक वन माइनस वन, तो आंसर क्या आ गया अपना कोसेक वन माइनस वन। कौन से ऑप्शन में, फर्स्ट ऑप्शन। इसके बाद में चलते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन, सेक्शन बी है क्वेश्चन नंबर वन। कितने क्वेश्चन है इसमें, फाइव क्वेश्चन है, सारे के सारे न्यूमेरिकल वैल्यू टाइप क्वेश्चन है जिसमें रेंज रहती है 0.002 to 99.99। देखो ई की पावर मॉड साइन एक्स कॉस एक्स अपॉन वन प्लस ई की पावर टेन एक्स, इंटीग्रेशन करना है जीरो टू टू पाई। तो टू पाई माइनस थीटा इसमें करोगे तो भी कैसा आएगा पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव लेकिन ये कैसा आएगा नेगेटिव। तो जीरो से टू पाई इसको मैं आई मान लेता हूँ, कितना आएगा e की पावर मॉड साइन एक्स और कॉस एक्स अपॉन वन प्लस ई की पावर माइनस टेन एक्स। प्रॉपर्टी लगा दी अपन पाई माइनस एक्स वाली। देखो अब ये ऊपर जाएगा तो e की पावर टेन एक्स अपॉन नीचे ये सेम बन गया, इसमें और इसमें ऐड करेंगे तो e की पावर वन प्लस टेन एक्स नीचे और ऊपर क्या है e की पावर टेन एक्स है ऊपर एक में तो और एक में वन, तो वन प्लस e की पावर टेन एक्स तो दोनों में से ऐड होके कैंसिल हो जाएगा। तो 2i का वैल्यू कितना आ गया इसके अंदर अपने पास में 0 टू 2 पाई e की पावर मॉड साइन एक्स और कॉस एक्स। अब अपने को पता है 2 पाई माइनस एक्स है वो किसके है x के इक्वल है, मतलब f ऑफ 2 पाई माइनस एक्स इक्वल टू एफ एक्स। तो इसको यहाँ से ये 2 हटा के अपन बाहर ले आते 0 से पाई हो जाएगी लिमिट अपनी 2 और 2 से टू कैंसिल। अब अपने को पता है जीरो से पाई में साइन एक्स कैसा होता है पॉजिटिव, तो पॉजिटिव का मोड हटाने में कोई दिक्कत नहीं है तो आई का वैल्यू इंटीग्रेशन का वैल्यू किसके इक्वल आ गया अपने पास में जीरो टू पाई ई की पावर साइन एक्स इंटू कॉस एक्स और साथ में डी एक्स। अब देखो साइन एक्स को टी मान लो कॉस एक्स क्या हो जाएगा इसका डिफ्रेंशिएशन, तो इंटीग्रेशन साइन एक्स को टी माना है तो जीरो साइन जीरो जीरो और जीरो ये ऊपर तो ये कितना आ गया e की पावर, और या फिर देखना चाहे तो ये यहाँ पे क्या है ये पाई माइनस x करेंगे तो f ऑफ पाई माइनस x माइनस एफ एक्स के इक्वल आएगा ना, ये तो पॉजिटिव रहेगा ये नेगेटिव बन जाएगा। तो वैसे भी इसका इंटीग्रेशन क्या आना है जीरो ही आना है e की पावर t dt टी जीरो टू जीरो में क्या कर देंगे जीरो। तो ऑप्शन कौन सा आंसर क्या आ जाएगा इसमें 0.00। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, इसमें क्वेश्चन नंबर रहेगा अपना सेकंड क्वेश्चन। लेट एफ बी रियल वैल्यूड फंक्शन सच दैट एफ ऑफ टू का वैल्यू टू है एंड एफ डेज टू इक्वल टू वन, देन लिमिट ऑफ एक्स टेंडिंग टू जीरो टू टू एफ एक्स। देखो टी पे लग रहा है इंटीग्रेशन, तो ये एक्स माइनस टू क्या है कॉन्स्टेंट है एक तरह से टी के रेस्पेक्ट में, तो इसको मैं क्या लिख देता हूँ इसको बाहर निकाल लेता हूँ टू टू एफ एक्स 4t³ dt अपॉन में x माइनस टू। अब लिमिट है डीएल हॉस्पिटल रूल कर देते हैं 0/0 फॉर्म बन रहा है क्योंकि यहाँ पे 2 रखेंगे f ऑफ 2 वो भी 2 के इक्वल है, तो ये भी 0 बन रहा है ये भी 0 बन रहा है, तो लिमिट क्या आ जाएगी अपनी x टेंडिंग टू 2 पे। ऊपर डिफरेंशिएशन करेंगे लेबनीज रूल से तो f डेस x इंटू 4 f ऑफ x का क्यूब माइनस जीरो आएगा अपॉन में वन। अब देखो एफ डेस टू टू पुट करेंगे तो फोर इंटू एफ डेस टू, एफ डेस टू का वैल्यू कितना है वन और एफ ऑफ टू का क्यूब तो टू का क्यूब कितना आ गया एट इंटू फोर 32।
आंसर क्या आ जाएगा अपना 32.00। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना क्वेश्चन नंबर थर्ड, -121 साइन इनवर्स एक्स प्लस 3/4 डीएक्स। एक्स प्लस 3/4 पे अपने पास में लगा हुआ है बॉक्स, एक्स प्लस 3/4, पहले तो इसकी रेंज पता करनी पड़ेगी कहाँ से कहाँ तक जा रहा है। एक्स का वैल्यू अपने पास में कहाँ से कहाँ तक है, 1 से -1। 3/4 ऐड कर दूँ तो -1/4 से 5/4, सॉरी 3/4 प्लस 1 तो 7/4। तो इसका अपन बॉक्स लगाएंगे तो क्या क्या वैल्यू आ सकती है बॉक्स ऑफ एक्स प्लस 3/4 की। एक तो वैल्यू आएगी -1, दूसरी क्या आएगी 0, और तीसरी 1। 7/4 1 से बड़ा ही होता है तो 1 भी आ सकती है। -1 कब आएगी, जब इसकी वैल्यू -2 से -1 हो, तो एक्स प्लस 3/4 की वैल्यू -1 से ये हो, -1 से -3/4 कर देंगे। अपने को तो x पे खेलना है ना बेसिकली, dx करना है, तो -3/4 करेंगे तो ये तो कितना आ गया -7/4, और ये कितना आएगा -11 बाई, मतलब इससे छोटा ही आ गया ना कुछ, और भी छोटा -8 और -3, -11/4 x। और x का वैल्यू अपने पास में -1 से 1 है इस कंडीशन, सॉरी ये -1 से 0 आना चाहिए ना, क्योंकि -1 ही चाहिए अपने को, तो माइनस इसमें तो -2 आ जाएगा, तो ये कितना आ जाएगा -7/4 से -3/4, और अपने पास में -1 से 1 ही है, तो ये वाला वैल्यू ज़्यादा हो गया ना, तो x का वैल्यू या तो -3/4 से तो छोटा है लेकिन -1 से बड़ा है। तो इस पार्ट, इसके तीन पार्ट हो जाएंगे, कौन कौन से हो जाएंगे, एक तो जहाँ पे -1 बन रहा है, -1 से -3/4 बनेगा, वहाँ पे कितना बन जाएगा -1 × dx, और कहाँ पे 0 बनेगा -3/4 से। अब 0 बनाना है मतलब हाईएस्ट वैल्यू 1 तक पहुँचानी है, तो 1/4 रखोगे तो इसमें कितना बनेगा 1, तो 1/4 तक कितना बन जाएगा ये 0, और 1/4 के आगे ये कितना बनेगा dx। ये तो ऑटोमेटिकली 0 हो गया, -1 का करोगे तो -3/4 --1 तो 1/4, तो ये कितना आ गया -1/4, और ये कितना आ जाएगा 3/4। और कुछ है साथ में इसके, अच्छा सॉरी पाई भी साइन इनवर्स के अंदर है, सॉरी साइन इनवर्स ये भी साइन इनवर्स, वो तो 0 ही ना, साइन इनवर्स वन कितना होता है अपने पास में -π/2, तो -π/2 आएगा इसके साथ, -π/2 π/2, और यहाँ पे 3/4 इसके साथ में आएगा π/2, तो ये कितना हो गया -π/8 3π/8, तो कितना हो जाएगा 2π/8, वो कितना होता है π/4, तो आंसर कितना आ जाएगा π/4। और इसने बोला है π/k इक्वल है, तो k का वैल्यू कितना आ गया 4, तो आंसर कितना आ गया 4। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, इसमें कौन सा क्वेश्चन नंबर है, नेक्स्ट फोर्थ नंबर, मैक्सिमम ऑफ एक्स प्लस बॉक्स एक्स, एक्स माइनस मोड एक्स, एक्स प्लस बॉक्स है। देखो इन दो कर्व है अपने पास में, एक्स माइनस मोड एक्स और दूसरा एक्स प्लस बॉक्स एक्स, इन दोनों में से मैक्सिमम फाइंड आउट करना है और फिर उसका इंटीग्रेशन करना है -3 से 3 में। अब देखो एक्स माइनस बॉक्स मोड एक्स ये हमेशा 0 बनेगा, कब, अब एक्स कैसा हो पॉजिटिव, क्योंकि मोड एक्स का पॉजिटिव, तो ये वाला ग्राफ देखो कैसा आएगा, इसका ग्राफ से ही पता चलेगा मैक्सिमम नहीं, पॉजिटिव में तो हमेशा क्या बनेगा ये 0 बन जाएगा, ये 3 तक मान लेता हूँ मैं, ये 2 मान लेता हूँ, ये 1 मान, 3 तक 0 बन गया, और उससे पहले नेगेटिव में ये माइनस माइनस कितना हो जाएगा प्लस, तो कितना बनेगा 2x, तो y इक्वल टू 2x, ऐसी वाली लाइन होती है लेकिन इस साइड में चलेगी,
2x, मतलब माइनस थ्री पे की वैल्यू कितनी आएगी, ये माइनस थ्री मान लो, ये माइनस टू मान लो, और ये माइनस वन। माइनस थ्री पे वैल्यू आएगी माइनस सिक्स, यहाँ कहीं पे वैल्यू आएगी माइनस सिक्स। चलो फिर अपने को चेक करना है x प्लस बॉक्स एक्स, एक्स प्लस बॉक्स एक्स, तो ये तो हर इंटीजर पे ब्रेक होगा, माइनस थ्री से माइनस टू में कितना आएगा माइनस थ्री, और एक्स माइनस थ्री, एक्स माइनस थ्री आएगा तो कौन सी वाली लाइन आएगी, एक्स माइनस थ्री, यहाँ पे एक लाइन आएगी पहली एक्स माइनस थ्री वाली लाइन आएगी, एक्स माइनस थ्री वाले में माइनस सिक्स, माइनस थ्री रखेंगे तो माइनस सिक्स, मतलब यहीं कहीं से कोई पॉइंट होगा, और माइनस टू रखेंगे तो कितना आएगा माइनस फाइव, मतलब ये वाला पॉइंट यहाँ पे तो है माइनस फोर, इसके सीध में माइनस फोर, और यहाँ कहीं पे आएगा माइनस फाइव, तो ये लाइन कैसी होगी इसकी, और ऐसे ही इसमें आगे बनाएंगे तो उसमें कौन सी आएगी, यहाँ से यहाँ कहीं पे एक लाइन आएगी ऐसी, और फिर इसमें ऐसी लाइन, तो इधर तो माइनस थ्री से जीरो में तो हमेशा ये वाला बड़ा रहना है, तो कौन सी लाइन आएगी माइनस थ्री से जीरो में, तो टू एक्स डी एक्स होगा, उसके आगे अभी चल लेते देखो, उसमें जीरो से वन में, जीरो से वन में आएगा जीरो, तो कौन सी लाइन आएगी वाई इक्वल टू एक्स, जीरो से वन में आएगी एक्स, ये ऊपर हो जाएगा डी एक्स, फिर वन से टू में कौन सी आएगी एक्स प्लस वन, वो भी ऊपर रहेगी, और फिर टू से थ्री में कौन सी आ जाएगी एक्स प्लस टू इंटू डी एक्स, अब इसका इंटीग्रेशन करना है तो उससे अपना आंसर आ जाएगा, सिंपल नॉर्मल सीधे सीधे इंटीजर इंटीग्रेशन है हो जाएगी। अब अपन नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर फाइव, इसमें एक लिमिट है इनफाइनाइट तक कैलकुलेट करनी है, और किसके इक्वल है, देखो मैं इसको जनरल टर्म लिखना चाहूँ तो क्या है वन पावर नाइन्टी नाइन, टू पावर नाइन्टी नाइन, तो ऊपर क्या आएगा आर पावर नाइन्टी नाइन, और नीचे कितना है एन पावर हंड्रेड, तो एन पावर नाइन्टी नाइन तो इसके नीचे लिख देता हूँ, और वन बाई एन को ऐसे लिख देता हूँ, और इसमें सिग्मा लगा दूँ आर इक्वल टू वन टू एन, और ये लिमिट हो गई अपनी एन टेंडिंग टू इनफाइनिट। तो बेसिकली बन क्या गया अपने पास में, किसके इक्वल बन गया, इंटीग्रेशन जीरो टू वन एक्स की पावर नाइन्टी नाइन डी एक्स, कितना होता है एक्स की पावर हंड्रेड अपॉन हंड्रेड जीरो टू वन, कितना आ गया जीरो रखेंगे तो जीरो आना, वन रखेंगे तो वन अपॉन हंड्रेड, तो आंसर आ गया वन अपॉन हंड्रेड, ये किसके इक्वल है वन अपॉन ए स्क्वायर, तो ए स्क्वायर का वैल्यू हंड्रेड, तो ए का वैल्यू कितना आ गया टेन, तो आंसर कितना आ जाएगा टेन। तो इसके साथ में अपना जेई मेन का पोर्शन खत्म होता है, सो अब नेक्स्ट पार्ट इज जेई एडवांस सेक्शन, इन दिस पार्ट फर्स्ट क्वेश्चन इन सेक्शन ए देयर इज वन पैराग्राफ, we have to find out the limit of this limit, ये limit find out, देखो ये basically integration type limit है, general term निकालना है और summation वाला करना है, इसने भी देखो यही दे रखा है, ये वाला चीज use करनी है, ठीक है। ये वाला formula use करना है अपने को इसके लिए, ठीक, क्या है अपने पास में limit, ये लिमिट एन टेंडिंग टू इनफाइनाइट, अब देखो मैं जनरल टर्म लिखने की कोशिश कर रहा हूँ इसकी, एन तो ऊपर हर में है ही अपॉन एन प्लस वन एन प्लस टू एन प्लस थ्री, तो इसको मैं लिख देता हूँ एन प्लस आर, और अंदर क्या है रूट के अंदर, इसमें वन इसमें टू थ्री फोर ऐसे करके आर, फिर टू एन प्लस वन टू एन प्लस टू टू एन प्लस थ्री, तो वो क्या हो जाएगी टू एन प्लस आर, ये क्या है इसकी जनरल फॉर्म होगी, सिग्मा लगा दो इसमें आर इक्वल टू वन टू, देखो एन रखेंगे आर की जगह तो ये कितना हो गया थ्री एन इंटू एन, तो कितना हो गया थ्री एन स्क्वायर, और एन स्क्वायर से एन स्क्वायर, इसमें रूट के अंदर एन स्क्वायर होगा वो बाहर वाले एन को किट, तो एन पे ही है, तो लिमिट कहाँ तक लगानी है आर इक्वल टू वन टू एन, आप देखो ये क्या बनता है, अपने आर बाई एन बनाना होता है ना, तो यहाँ से तो एन कॉमन ले लेते हैं, तो ये r बाई एन बन जाएगा, देखो लिमिट
एन टेनिंग टू इनफाइनाइट सिग्मा आर इक्वल टू वन टू एन, यहाँ से एन कॉमन आएगा वो ऊपर वाले को कैंसिल कर देगा, ऊपर तो क्या आ गया वन और वन प्लस आर बाई एन, और अंदर देखो आर बाई एन, एक ये एन कॉमन लेंगे तब तो ये तो आर बाई एन बन गया, लेकिन ये नहीं बनेगा, तो इसमें अपन क्या करें डिवाइड कर देंगे और मल्टीप्लाई कर देंगे, एक एन ये एक मल्टीप्लाई वाला, तो क्या बन जाएगा वो एन स्क्वायर, और वो बाहर आएगा तो वो बन जाएगा वन बाई एन, ये वन बाई एन मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, अंदर क्या बन गया आर बाई एन टू प्लस आर बाई, अब देखो आर बाई एन वन बाई एन, तो ये वाला अपने पास में ये जो दे रखा है ये वाला बन जाएगा, तो क्या लग जाएगी इसमें लिमिट अपने पास में, लिमिट ये बन जाएगा इंटीग्रेशन एन इक्वल आर इक्वल टू वन रखेंगे तो वन अपॉन एन इनफाइनाइट, वन अपॉन इनफाइनाइट क्या हो जाएगा जीरो, और एन रखेंगे तो एन अपॉन एन वन, लिमिट इंटीग्रेशन जीरो से वन हो जाएगी इंटीग्रेशन की लिमिट, और अब क्या करना है वन अपॉन वन प्लस आर बाई एन क्या बन जाता है एक्स, और रूट ऑफ एक्स इंटू टू प्लस एक्स, तो कितना हो गया एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स, या फिर इसको ऐसे मान लो एक्स, इसको साथ अलग अलग रख लेते हैं, रूट के अंदर एक्स और टू प्लस एक्स डी एक्स, देखो टू प्लस एक्स है और यहाँ पे है वन प्लस एक्स, तो मैं वन प्लस एक्स को क्या मान लेता हूँ यहाँ पे टी मान, तो डी एक्स का वैल्यू कितना आ गया अपने पास में डी टी, इंटीग्रेशन हो जाएगा लिमिट क्या आ जाएगी वन फिर टू, और डी एक्स की जगह डी टी आ जाएगा, यहाँ पे टी हो गया, ये एक्स क्या हो जाएगा टी माइनस वन और ये टी प्लस वन, तो मर्ज होके क्या बन जाएगा टी स्क्वायर माइनस, देखो ये क्या बन गया अपने पास में sec इनवर्स एक्स का इंटीग्रेशन बन गया sec इनवर्स एक्स और sec इनवर्स टी मान जीरो सॉरी वन टू टू, sec इनवर्स टू कितना होता है पाई बाई थ्री और sec इनवर्स वन जीरो, तो पाई बाई थ्री माइनस जीरो, तो कितना आंसर आ जाएगा अपने पास में पाई बाई थ्री, तो कौन सा ऑप्शन होगा इसमें देखो पाई बाई थ्री, ये फर्स्ट वाले ऑप्शन में ये, तो पाई बाई थ्री इसका आंसर हो जाएगा। इसी पैराग्राफ का अपन क्वेश्चन नंबर देखते हैं नेक्स्ट सेकंड नंबर क्वेश्चन, इसमें क्या करना है अपने को लिमिट निकालनी है कहाँ से कहाँ तक आर इक्वल टू जीरो टू टू एन माइनस वन, ये तो सीधा सीधा ही दे रखा है इसमें, ये इंटीग्रेशन बन जाएगा अपने पास में जीरो टू, अब देखो टू एन प्लस वन है टू एन प्लस वन अपोन एन टू माइनस वन अपोन वन बाई एन वगैरह टू एन माइनस वन अपोन एन करेंगे तो कितना टू माइनस वन बाई एन, और एन इनफाइनाइट रखेंगे तो इस बार लिमिट जीरो से टू हो जाएगी जीरो से वन की बजाय, और क्या आ जाएगा sec स्क्वायर आर बाई एन को क्या लिखते हैं एक्स sec स्क्वायर एक्स डी एक्स, तो ये क्या बन जाएगा टेन एक्स का जीरो से टू, तो टेन टू माइनस टेन जीरो होता है जीरो, तो टेन टू आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट इसमें देखो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट कौन सा सेक्शन बी आ जाता है, सेक्शन बी के अंदर क्या है मोर देन वन टाइप क्वेश्चन है वन और मोर आंसर है, और पहला क्वेश्चन है इसमें पहला क्वेश्चन क्या है डी एक्स अपॉन वन प्लस एक्स स्क्वायर की पावर एन, इसका इंटीग्रेशन करना है और अपने को रिलेशन फाइंड आउट करना है किन किन के बीच में आई एन प्लस वन आई एन इनके बीच में, फिर आई टू आई थ्री ये बेसिकली निकाल लेंगे, आई एन प्लस वन आई एन का वैल्यू क्या है अपने पास में इंटीग्रेशन जीरो टू वन डी एक्स अपॉन वन प्लस एक्स स्क्वायर की पावर एन इंटू डी एक्स, तो लिख ही दिया चलो, अब इसको आई एन प्लस वन में कन्वर्ट करना है ना अपने को चलो, या फिर आई एन जो भी होगा देख जीरो टू वन, वन को मैं इसके साथ में क्या मान लेता हूँ सेकेंड फंक्शन, क्यों इसका इंटीग्रेशन करना होता है और डी एक्स अपॉन वन प्लस एक्स स्क्वायर की पावर एन को क्या मान लेते हो फर्स्ट फंक्शन, इसका इंटीग्रेशन अपन जानते नहीं, इसका जानते क्या आ जाएगा इंटीग्रेशन बाय पार्ट लगाएंगे तो आई बी पी यानी इंटीग्रेशन बाय पार्ट लगाएंगे तो इसका तो इंटीग्रेशन फर्स्ट सेकंड फंक्शन का इंटीग्रेशन और फर्स्ट फंक्शन एज इट इज मतलब वन प्लस एक्स स्क्वायर की पावर एन और कहाँ से कहाँ तक जीरो से वन तक, माइनस क्या आता है इंटीग्रेशन जीरो टू वन, ये तो फर्स्ट का सेकेंड का तो इंटीग्रेशन और
फर्स्ट का डिफरेंशिएशन, इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो कितना आएगा, माइनस एन और माइनस वन, माइनस एन माइनस वन, तो वो नीचे जाके कितना बन जाएगा, प्लस एन प्लस वन बन जाएगा, और फिर वन प्लस एक्स स्क्वायर का और होगा तो वो कितना आएगा, टू एक्स डी एक्स। देखो माइनस टू एन बाहर आ जाएगा तो अंदर क्या बच जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वन माइनस वन और कर देंगे, पहले इसमें लिमिट रख देते हैं, वन रखेंगे तो वन अपॉन टू की पावर एन यानी कि टू की पावर माइनस एन, और जीरो रखेंगे तो जीरो आना ही है, प्लस टू एन। अब क्या बन रहा है, देखो इंटीग्रेशन जीरो टू वन एक्स स्क्वायर अपॉन वन एक्स स्क्वायर प्लस वन या वन प्लस एक्स स्क्वायर की पावर एन इंटू डी एक्स। अब देखो इसमें प्लस वन और माइनस वन कर देता हूँ, प्लस वन करूंगा तो वन अपॉन एक्स स्क्वायर एन प्लस वन है सॉरी पावर, प्लस वन करूंगा माइनस वन करूंगा तो ये सेम बन जाएगा नीचे वाला, वन अपॉन एक्स स्क्वायर की पावर एक्स स्क्वायर प्लस वन की पावर एन, ये किसका वैल्यू, आई एन का, तो आई एन किसके इक्वल आ जाएगा अपने पास में, आई एन इक्वल टू टू की पावर माइनस एन प्लस टू एन इंटीग्रेशन जीरो टू वन वन अपॉन वन प्लस एक्स स्क्वायर की पावर एन माइनस वन अपॉन वन प्लस एक्स स्क्वायर की पावर एन प्लस वन और साथ में डी एक्स। तो ये तो क्या बन गया अपने पास में, आई एन और ये आई एन प्लस वन, आई एन माइनस आई एन ऑफ। अब अपने को आई एन प्लस वन और आई एन के अंदर रिलेशन, आई एन प्लस वन को इधर रखना है और आई एन को इधर लेके आना, टू एन आई एन प्लस वन, इधर देखो टू एन आई एन है और एक इधर से जाएगा तो टू एन माइनस वन हो गया आई एन। देखो देखिए ये सही है क्या, 2n माइनस वन इंटू आई एन, बिल्कुल सही है, पहला ऑप्शन मैच कर जाएगा इसमें। अब नेक्स्ट ऑप्शन देखते हैं, इसमें पहला ऑप्शन सही हो गया, इसमें आई टू आई थ्री जो भी निकाल सकते हैं, तो आई टू का वैल्यू कितना आ गया अपने पास में, सॉरी आई टू, आई टू में भी रिलेशन आएगा ना, n की जगह वन रखेंगे तो टू आई टू इक्वल टू टू की पावर माइनस वन, तो वन बाई टू और प्लस टू इंटू वन टू माइनस वन आई वन आएगा। आई वन निकाल सकते हैं, एन की जगह वन रखेंगे तो ये वन प्लस एक्स स्क्वायर मीन्स टेन इनवर्स एक्स, और टेन इनवर्स एक्स के अंदर वन रखेंगे तो पाई बाई फोर, तो आई वन का वैल्यू क्या आता है, पाई बाई फोर। तो आई टू का वैल्यू क्या आ गया अपने पास में, वन बाई फोर प्लस आई वन बाई टू, तो पाई बाई एट, तो ऑप्शन सही है सेकेंड वाला। ऐसे ही आई थ्री आई टू ये सब भी चेक कर लेंगे तो जो भी आंसर होगा अपना मैच कर जाएगा। चलो अपन देखते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड, इसका क्वेश्चन नंबर सेकंड में क्या है, दो रिलेशन गिवन है अपने को, पहले कौन कौन से रिलेशन है, एफ ऑफ टू माइनस एक्स इक्वल टू एफ ऑफ टू प्लस एक्स, एफ ऑफ फोर माइनस एक्स इक्वल टू एफ ऑफ फोर प्लस एक्स। तो इन दोनों रिलेशन से अपने को पता चल जाएगा क्या आ रहा है, एफ ऑफ एक्स प्लस फोर इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, इसका मतलब कैसा है एफ एक्स, पीरियडिक, कितना पीरियड, फोर। अब क्या करते हैं, ये वाला इंटीग्रेशन फाइंड आउट करना है, जीरो टू फिफ्टी, जीरो टू फिफ्टी, देखो फोर का मल्टीपल फोर्टी एट होता है, तो इसको ब्रेक कर लेते हैं अपन टू पार्ट्स में, जीरो टू फोर्टी एट, फोर्टी एट को ट्वेल्व इंटू फोर लिख दो, एफ एक्स डी एक्स, फिर फोर्टी एट टू फिफ्टी, वो क्या है, जीरो से टू तक का सेम ही होता है, जीरो से टू एफ एक्स डी एक्स, वो कितना है, फाइव। ये इसको क्या लिख दो, ट्वेल्व इंटू जीरो टू फोर, जीरो से फोर को मैं ब्रेक कर देता हूँ टू पार्ट्स में, जीरो से टू एफ एक्स डी एक्स प्लस टू से फोर क्या आ जाएगा, एफ एक्स डी एक्स प्लस फाइव। अब देखो ट्वेल्व, ये इसका वैल्यू भी फाइव, ट्वेल्व इंटू फाइव सिक्सटी प्लस फाइव, तो कितना हो गया, सिक्सटी फाइव प्लस ट्वेल्व इंटू इंटीग्रेशन 2 से 4 एफ एक्स डी एक्स, तो x की जगह मैं 4 माइनस टी रख देता हूँ, एफ ओ 4 माइनस टी, और क्या आएगा, माइनस डी टी आएगा ना, उस माइनस को अपन मर्ज कर लेंगे यहाँ पे लिमिट में 0 से 2, कैसे किया, टू 4 माइनस टी, 2 रखेंगे तो लिमिट कितनी आएगी, 2, लोअर लिमिट 2 आएगी और अपर लिमिट कितनी आएगी, 0,
वो माइनस मर्ज होके लिमिट को अपर को लोअर में और लोअर को अपर में चेंज कर दिया। फोर माइनस टी को अपन इससे रिप्लेस कर देंगे और इसका वैल्यू अपन ने यहाँ पे निकाल रखा है। तो ये बेसिकली क्या है, एफ एक्स ही है फोर माइनस टी। तो फोर माइनस टी एफ टी हो जाएगा, एफ टी जीरो टू टू एफ टी डी टी, इसका वैल्यू भी फाइव, 12 × 5 60, 60 + 65 125। तो ऑप्शन कौन सा हो गया, फर्स्ट करेक्ट हो गया। और सेकंड में देखो माइनस फोर से 46 है, तो ये भी जीरो से 50 के वाला एक केस है, तो ये भी सही हो जाएगा। इसको नहीं कर पाएंगे क्योंकि जीरो से टू वाली लिमिट है, जीरो से वन वाली लिमिट अपने को पता तब तो कर लेते इसको, ये वाला चेक नहीं कर पाएंगे। और ये भी सेम है, 2 × 2 = 52। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, इसमें क्वेश्चन नंबर थर्ड देखो। क्वेश्चन नंबर थर्ड के अंदर एक एफ एक्स है और इसका क्या गिवन है अपने को, रिलेशन है इसमें, और इसका एफ डेस फोर निकालना है। एफ डेस फोर के लिए अपन क्या करेंगे देखो, चले एफ डेस ही कर देते, इसका एफ डेस एक्स क्या आएगा, 1/x2, ये तो एज इट इज रख लेता हूँ। और इसका इंटीग्रेशन डिफ्रेंशिएशन करूंगा तो क्या आएगा, एक्स का वन और इसके अंदर पूरे के अंदर एक्स, तो 4x² - 2f एक्स। फिर क्या आएगा, इसका डिफरेंशिएशन और ये वाला एज इट इज क्या आएगा, प्लस 1/x² का डिफरेंशिएशन -2/x³ और ये वाला पार्ट एज इट इज 4 2x dt। अब देखो एफ डेस फोर कैलकुलेट करना है, एफ डेस फोर रखूंगा तो ये वाला पोर्शन तो हो जाएगा जीरो पूरा का पूरा। एफ डेस फोर इक्वल टू कितना आ गया, एफ डेस फोर 1/16, 4 × 16 और -2f·4, f·4, 16 से 16 कैंसिल, तो ये तो आ गया 4 और -1/8 f·4 इक्वल टू f·4 और 1/8 मल्टीप्लाई ऐड होगा तो 1 + 1/8 9/8 32/9। तो f·4 का वैल्यू कितना आ गया, 32/9। तो ऑप्शन पहला सही हो गया। अब अपने को अभी एक चीज और चाहिए, क्या चाहिए, एफ ऑफ एट चाहिए, एफ ऑफ एट भी निकालना पड़ेगा अपने को। तो वो अपन यहीं से निकाल लेते हैं, कैसे निकालेंगे वो, एफ डेज फोर एफ डेज एट, इसके लिए अपने को फंक्शन चाहिए 2f·4। तो इसका डिफरेंशिएशन कर देते, सॉरी इंटीग्रेशन कर लेते, 4t² का इंटीग्रेशन कर लेंगे, कितना आएगा t³/3 और इसका भी इंटीग्रेशन एफ टी आ जाएगा। तो एफ एक्स क्या आ जाएगा, इसको तो हटा देते हैं, फ्रेश कर लेते हैं, एफ एक्स का वैल्यू 1/x² और इसका 4/3 × x³ और -2f(x) टी आएगा वैसे तो 4 2x। एफ ओ फोर तो वैसे भी अपने को पता है जीरो, देखो फोर रखोगे इसमें तो जीरो आ जाएगा। एफ ओ एक्स इक्वल टू 1/x² 4/3 t³ x³ 4/3 x³ -4/3 64 फोर रखेंगे 64 और -2 एफ एक्स और ये फोर रखेंगे तो वो जीरो हो जाएगा, इतना ही आएगा एफ एक्स -2f(x) और ये 2/x², तो ये क्या आ जाएगा 1 + 2/x² × f(x) और उधर कितना आ जाएगा, x² से ये मल्टीप्लाई होगा तो ये कितना आ गया 4/3 × x और -64 × 4 कितना हो गया 256/3x². अब अपने को क्या निकालना है, किस पे वैल्यू निकालनी है, 8 पे वैल्यू आ जाएगी, यहाँ पुट कर देना कोई एक ऑप्शन इसमें से या इसमें से, करेक्ट हो जाएगा जो भी, दोनों में से कोई एक करेक्ट हो जाएगा, एक तो ऑलरेडी करेक्ट है ही अपने पास। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन अपना क्वेश्चन नंबर 4, क्या क्वेश्चन है, i = 0 to π/2 e^-α sin x dx। इसका अपने को रेंज फाइंड आउट करना है एक तरह से, ग्रेटर देन लेस देन बोला है, तो लेस साइन एक्स का वैल्यू अपन 0 से π/2 में जानते हैं क्या होता है, 0 से बड़ा और 1 से छोटा, और माइनस लगा दिया तो -sin x का वैल्यू -1 से बड़ा और 0 से छोटा।
अब देखो ई अल्फा, अल्फा क्या है, जीरो टू इन्फिनिटी, कोई पॉजिटिव नंबर है मल्टीप्लाई कर रहे, कोई फर्क पड़ना नहीं, क्यों, पॉजिटिव नंबर से मल्टीप्लाई करने से कोई फर्क नहीं पड़ना। अब ई की पावर में लेके जाना है इन सबको, तो वैसे का वैसा रह जाएगा, ई की पावर में ले जाओ ये। ई की पावर जीरो कितना होता है, वन, और ये ई की पावर माइनस अल्फा साइन एक्स, और यहाँ पे ई की पावर माइनस अल्फा। अब देखो इंटीग्रेशन लेना है जीरो से पाई बाई टू, इस पे लूंगा तो ये तो क्या बन जाएगा आई, और जीरो से पाई बाई टू इसमें लूंगा तो ये कितना बन जाएगा पाई बाई टू, और इसमें लूंगा तो ई की पावर माइनस अल्फा कॉन्स्टेंट है, और साथ में इंटीग्रेशन किसका होगा वन का, तो वो कितना आ जाएगा पाई बाई टू। तो आई पाई बाई टू से तो छोटा है ये, सही है बिल्कुल, और किससे बड़ा है, पाई बाई टू ई की पावर माइनस अल्फा इंटू पाई बाई टू, तो इससे बड़ा है, तो इससे बड़ा होगा तो इससे तो ऑटोमेटिकली बड़ा हो गया ना, ठीक है, और जीरो से भी बड़ा हो जाएगा वो भी ठीक है, सॉरी इससे जीरो से बड़ा हो जाएगा ये वाला, से इससे तो छोटा होगा ना, इसी से बड़ा है, तो ये क्या है पाई बाई टू से छोटा है, तो ये पाई बाई टू से ज़्यादा ही है ना, तो ये वाला ऑप्शन नहीं आएगा। तो कौन कौन से ऑप्शन आ जाएगी, फर्स्ट सेकेंड और थर्ड। फिर कौन सा क्वेश्चन है नेक्स्ट नंबर, क्वेश्चन नंबर फाइव, नेक्स्ट अपन देखते हैं क्वेश्चन नंबर फाइव। इसमें क्या है, आई वन और आई टू दो इंटीग्रेशन है, पहले इंटीग्रेशन में क्या है एक्स प्लस टू का स्क्वायर है नीचे, और ये एक्स प्लस वन, कन्वर्जन करना है इसका मतलब पावर भी हटानी पड़ेगी, और यहाँ पे एक्स प्लस वन की जगह एक्स प्लस टू की जगह एक्स प्लस वन भी लाना है। तो सबसे पहले पावर हटाने का बेस्ट तरीका क्या है अपने पास में, इंटीग्रेशन बाई पार्ट, तो पहले वही लगा देते हैं, आई वन इक्वल टू इंटीग्रेशन जीरो टू पाई बाई टू कॉस एक्स, तो ऐसे रख लेते हैं, और वन अपॉन एक्स प्लस टू का स्क्वायर। अब देखो ये पावर किससे हटेगी, जब इसका इंटीग्रेशन हो या डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन होगी तो पावर कम हो जाएगी, तो इसको अपन क्या अज्यूम करेंगे सेकंड फंक्शन, और इसको फर्स्ट फंक्शन, लगाओ इंटीग्रेशन बाय पार्ट, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज कॉस एक्स, और सेकंड फंक्शन का इंटीग्रेशन, वो क्या हो जाएगा माइनस वन अपॉन एक्स प्लस टू। लिमिट लगानी जीरो से पाई, फिर माइनस आएगा कोस एक्स का, फर्स्ट फंक्शन का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा माइनस साइन एक्स माइनस साइन एक्स, तो ये प्लस हो गया, और एक क्या आएगा माइनस वन अपॉन एक्स प्लस वन, तो ओवरऑल क्या हो गया ये माइनस वन अपॉन एक्स प्लस टू इंटू डी एक्स, और लिमिट वही रहनी है जीरो से पाई। अब देखो एक्स प्लस टू है, यहाँ पे क्या और लेके आना है अपने को, एक्स प्लस वन लेके आना है, तो एक्स की जगह मैं टू टी डाल देता हूँ, एक्स की जगह क्या डाल रहा हूँ टू टी, तो डी एक्स क्या आ जाएगा अपने पास में टू डी टी। अब देखो पहले तो इसको सिंप्लीफाई करो, आई वन का वैल्यू कितना आएगा, पाई रखेंगे तो कितना आएगा कॉस पाई माइनस वन माइनस माइनस प्लस, और पाई प्लस टू, तो वन अपॉन पाई प्लस टू, फिर जीरो रखेंगे तो कॉस जीरो होता है वन और टू वन बाई टू, और माइनस के अंदर आएगा माइनस माइनस फिर से प्लस हो जाएगा, तो ये कितना आ गया वन बाई टू, माइनस जीरो से पाई बाई टू हो जाएगा, टी का वैल्यू एक्स की जगह पाई आएगा तो टी का वैल्यू पाई बाई टू, और साइन एक्स की जगह साइन टू एक्स साइन टू टी अपॉन टू टी प्लस टू, और ये बाहर क्या आ जाएगा ये टू। आई वन का वैल्यू क्या आ गया अपने पास में वन अपॉन पाई प्लस टू प्लस वन अपॉन टू, और ये टू कॉमन आएगा तो ये कैंसिल हो जाएगा, लेकिन इसमें भी तो टू साइन टी कोस टी आएगा ना, तो वो टू एज इट इज एक और आ जाएगा बाहर, जीरो से पाई बाई टू टू साइन टी कोस टी, तो ये टू तो बाहर आ गया साइन टी कोस टी अपॉन टी प्लस वन इंटू डी टी, ये देखो क्या है ये अपना आई टू है, तो आई वन का वैल्यू क्या आ गया अपने पास में वन अपॉन पाई प्लस टू प्लस वन बाई टू और माइनस टू आई टू। आई टू के फॉर्म में निकालना है, देखो टू और चाहिए पाई वाले टर्म के साथ में, तो टू ये टू और ये क्या हो जाएगा वन और ये कितना हो जाएगा फोर, तो फोर आई टू का वैल्यू क्या आ गया अपने पास में टू अपॉन पाई प्लस टू प्लस वन और माइनस टू आई वन। अब देखो टू अपॉन म्यू प्लस पाई, म्यू म्यू का वैल्यू कितना आ गया टू, म्यू कहाँ पे ये रहा टू, सही है, फिर लैम्डा, लैम्डा का वैल्यू I2 के साथ में लैम्डा है तो 4, ये भी सही हो जाएगा,
फिर के क्या है प्लस वन, तो के का वैल्यू वन, ये भी ठीक हो गया। और गामा का वैल्यू आई वन के साथ में जो है गामा मतलब टू, तो चार ऑप्शन सही हो जाएंगे इसके। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर देखते हैं अपन, फाइव, फाइव तो हो गया, सिक्स देखते हैं। एफ टी की पावर माइनस वन, देखो इनवर्स नहीं है, एफ टी की पावर माइनस वन है, उसका इंटीग्रेशन करना है जीरो से एक्स, और इंटीग्रेशन अपने को एक दिया हुआ है जीरो से वन में, एफ टी का इन पावर माइनस वन का इंटीग्रेशन कितना है रूट टू है, तो ये अपने को पता लगाना है, एफ ऑफ टू एफ ऑफ थ्री ये सब देखना है। तो देखो एक काम कर सकते हैं अपन इसमें, क्या करें पहले एफ एक्स निकाल लेंगे कैसे, ये देखो एफ डेस करेंगे तो कितना आएगा इक्वल टू एक्स का डिफरेंशिएशन वन और एफ ऑफ एक्स की पावर माइनस वन, ये अपॉन में आएगा एफ एक्स इंटू एफ डेस, तो ये क्या हो गया एफ एक्स मीन्स वाई और एफ डेस मतलब डी वाई बाई डी एक्स, इसका वैल्यू किसके इक्वल है वन के इक्वल, तो वाई डी वाई किसके इक्वल हो गया डी एक्स, तो ये कितना आ गया वाई स्क्वायर अपॉन टू और एक्स प्लस कॉन्स्टेंट, ये आएगा इंटीग्रेशन कॉन्स्टेंट आ जाएगा। और अब देखो जीरो रखूंगा एक्स की जगह में तो क्या आ जाएगा वाई एफ ऑफ जीरो का वैल्यू जीरो, तो एफ ऑफ जीरो मीन्स सी क्या हो जाएगा अपने पास में जीरो, तो वाई का वैल्यू कितना आ गया वाई मीन्स एफ एक्स का वैल्यू रूट ऑफ टू एक्स, लेकिन अपने को पता नहीं है प्लस का आएगा या माइनस का आएगा, लेकिन वो कहां से पता चल जाएगा इस वाली कंडीशन को यूज करेंगे उससे, क्या बोल रहा है इसका माइनस वन अपॉन एफ एक्स का इंटीग्रेशन करना है जीरो से वन रूट टू, ये वन अपॉन रूट टू लिख लो इसको, और रूट एक्स डी एक्स ये कर लेते हैं, इसको करने के लिए माइनस लगा लेंगे, इससे चेक कर लेंगे रूट टू आएगा तो ठीक है वरना ये वाला हो जाएगा वन अपॉन रूट टू और एक्स की पावर माइनस वन बाई टू, तो एक्स की पावर वन बाई टू अपॉन वन बाई टू, तो ये कितना आ गया टू जीरो से वन, ये बेसिकली आ ही रहा है रूट टू, ये वाला पार्ट कैंसिल हो गया, तो अपने पास एफ एक्स क्या आ गया टू एक्स। अब जो भी वैल्यू चेक करनी है इसमें चेक कर लो। क्वेश्चन नंबर सेवन देखते हैं, एफ एक्स एक फंक्शन है एफ, वो सेटिस्फाई कर रहा है इस वाली कंडीशन को, तो ये पूछ रहे रियल सॉल्यूशन किसके एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स प्लस टू वन माइनस एफ एक्स, इसके रियल सॉल्यूशन पूछ रहा है, तो पहले एफ एक्स चाहिए इसके लिए, तो वही कैलकुलेट करते हैं। कैसे कैलकुलेट करेंगे, डिफरेंशिएट कर देते हैं दोनों साइड में क्योंकि एफ फ्री हो जाएगा उससे, तो जीरो टू का डिफरेंशिएशन जीरो और इसका क्या हो जाएगा एफ एक्स इक्वल टू टू एक्स अपॉन टू, तो एक्स प्लस जीरो माइनस एक्स स्क्वायर एफ एक्स, इधर लेके जाएंगे वन प्लस एक्स स्क्वायर, तो एफ एक्स का वैल्यू कितना आ गया अपने पास में एक्स अपॉन वन प्लस एक्स स्क्वायर। अब देखते क्या करना है इसमें, वन माइनस एफ एक्स पहली चीज तो चाहिए अपने को वन माइनस एफ एक्स, वो करते हैं और फिर एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स प्लस वन, अब इसी का वैल्यू निकाल लेते हैं एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स प्लस टू इंटू वन माइनस एफ एक्स, एफ एक्स का वैल्यू एक्स अपॉन वन प्लस एक्स स्क्वायर इक्वल टू जीरो, इसके सॉल्यूशन निकाल लें। देखो एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स प्लस टू माइनस टू एक्स अपॉन वन प्लस एक्स स्क्वायर, देखो ये टू है ना, इसको मैं वन प्लस वन लिख लेता हूँ, उससे फायदा अपने को ये हो जाएगा ये होल स्क्वायर बन गया, किसका एक्स माइनस वन का होल स्क्वायर, और इससे ये और फायदा हो जाएगा कि इसका एलसीएम लूंगा तो वो क्या हो जाएगा ये फिर से एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस वन का होल स्क्वायर, तो ऊपर क्या बन गया एक्स माइनस वन का होल स्क्वायर, उसको ले लेता हूँ कॉमन, यहाँ पे क्या बचेगा वन और वन एलसीएम लूंगा तो वन प्लस एक्स स्क्वायर, वन प्लस एक्स स्क्वायर प्लस वन तो एक्स स्क्वायर प्लस टू, दोनों पॉजिटिव नंबर है जीरो में मिला दें कोई फर्क नहीं पड़ना, तो x माइनस वन का होल स्क्वायर किसके इक्वल होगा जीरो के इक्वल, इसका मतलब x का वैल्यू कितना आ गया वन, x का वैल्यू वन मतलब नंबर ऑफ रियल सॉल्यूशंस, x का वैल्यू एक ही आ रहा है तो नंबर ऑफ रियल सॉल्यूशन कितने हो जाएंगे वन, और कितने हैं वो नंबर ऑफ रियल सॉल्यूशन n के इक्वल है तो n का वैल्यू कितना आ गया वन,
देन एन इज ए फैक्टर, तो एन तो सभी का फैक्टर होता है, तो चार ऑप्शन इसके सही हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है अपना 8th नंबर। लेट एफ बी ए ट्वाइस डिफरेंशियबल फंक्शन सच देट एफ डबल डैश टी इक्वल टू, ये अपने को गिवन है, बड़ा लेंथी सा है लेकिन अभी देखते हैं इसको क्या कर सकते हैं। टी प्लस टू का क्यूब, देखो उसके अंदर ये तीनों टर्म आती है, टी क्यूब भी आता है, 60 स्क्वायर भी आता है, 12 टी भी आता है, प्लस 8 और आता है, ये देखो ये 8 रहा बस। अब इसमें क्या लगाएंगे, एफ ओफ ए ये वाला ए टू बी एफ एक्स डी एक्स इक्वल टू, ये वाली प्रॉपर्टी लगा देंगे, ए टू बी एफ ओफ ए प्लस बी माइनस एक्स डी एक्स, ये वाली प्रॉपर्टी लगा देंगे। कैसे लगाएंगे देखो, एफ डबल डेस इंटीग्रेशन 12 टी टी स्क्वायर प्लस 6 टी स्क्वायर, टी क्यू प्लस 6 टी स्क्वायर एल एन, एक्स की जगह क्या रखना है अपने को ए प्लस बी, इन तीनों का सम माइनस एक्स, टी क्यू प्लस 6 टी स्क्वायर प्लस 12 टी माइनस एक्स प्लस 8 अपॉन में टी प्लस टू का होल क्यूब, मैं ओपन कर देता हूँ क्या आएगा, टी क्यूब प्लस 6 टी स्क्वायर प्लस 12 टी प्लस 8 ये आएगा माइनस एक्स, एक्स की जगह क्या रखना है टी क्यूब 6 टी स्क्वायर प्लस 12 टी माइनस एक्स इंटू डी एक्स, लेकिन ये सब किस में है, मोड के अंदर है, लॉग के अंदर मोड लगाया हुआ है एक पॉजिटिव बनाने के लिए और कुछ नहीं। डी एक्स देखो ये क्या बन गया, टी प्लस टू का होल क्यूब, तो ये किसके इक्वल हो गया, लिमिट तो वही रहने देते हैं, एल एन टी प्लस टू का होल क्यूब प्लस सॉरी माइनस एक्स अपॉन टी क्यूब से टी क्यूब कैंसिल, 60 स्क्वायर से 60 स्क्वायर कैंसिल, 12 टी से 12 टी कैंसिल, तो 8 माइनस माइनस प्लस, तो कितना आ गया x प्लस 8 इंटू डी एक्स। अब देखो इसको मैं पलट दूं तो log x और log 1 अपॉन x क्या होते हैं, एक दूसरे के नेगेटिव होते हैं, इसको पलटते ही ये बन जाएगा लेकिन नेगेटिव है, तो क्या बन जाएगा f डबल डैश t इक्वल टू माइनस ऑफ f डबल डैश t, इसका मतलब f डबल डैश t इक्वल टू कितना हो जाएगा, जीरो, मतलब f डैश t का वैल्यू कितना हो जाएगा, कांस्टेंट, और f डैश के अंदर कोई रिलेशन है नहीं तो अपने को f t निकालना पड़ेगा, f t क्या आ गया c t प्लस d। अब देखो f ऑफ 1 का वैल्यू कितना है, 2, f ऑफ 1 तो मतलब 2 इक्वल टू c प्लस d, और f ऑफ 2 का वैल्यू क्या है, 1, तो 1 इक्वल टू 2 रखो 2 सी प्लस डी, तो यहां से अपने को c और d निकल आएंगे, तो f ऑफ x भी निकल आएगा, तो f ऑफ x कैसी लाइन आएगी, तो उसके मैक्सिमा मिनिमा का अपने को पता है, कोई मैक्सिमा मिनिमा आता नहीं है, और इंटीग्रेशन करना है, f ऑफ 3 का वैल्यू निकालना है, सिंपली वो कैलकुलेट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं अपन, तब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है अपना, सेक्शन सी में आ जाते हैं, उसमें क्या है न्यूमेरिकल टाइप क्वेश्चन है, और क्वेश्चन नंबर ऑफ क्वेश्चन किसने है, 5, और फर्स्ट क्वेश्चन इसमें आई एम क्या है, इंटीग्रेशन 1 टू ई और लॉग एक्स की पावर एम दिया हुआ है, और अपने को रिलेशन किस में निकालना है, आई टेन और 9 में, तो आई टेन का वैल्यू कितना हो गया, 1 टू ई एल एन एक्स की पावर 10 डी एक्स। अब देखो इस इतने बड़े का वैसे तो इंटीग्रेशन कर नहीं पाएंगे, लेकिन अपन को तो इंटीग्रेट तो करना ही नहीं, कन्वर्ट करना है आई टेन और आई नाइन में, तो अपन किसका सहारा ले लेंगे, आई बी पी इंटीग्रेशन बाई पार्ट, इसको मान लेते हैं सेकंड फंक्शन, इसको फर्स्ट फंक्शन, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज कितना आएगा, लॉग एक्स की पावर 10, और सेकंड फंक्शन का क्या आएगा, इंटीग्रेशन लिमिट 1 टू वन टू ई, ये कितना, ये फर्स्ट फंक्शन माइनस इंटीग्रेशन 1 टू ई
फर्स्ट सेकंड फंक्शन का इंटीग्रेशन और फर्स्ट फंक्शन का डिफरेंशिएशन। डिफरेंशिएशन करोगे लॉग एक्स की पावर 9 और 1 अपॉन एक्स डीएक्स। देखो ये कितना आ गया, 10 टाइम्स आई 9, नेगेटिव का इस साइड में आएगा तो यही वाली वैल्यू बन जाएगी जो अपने को कैलकुलेट करनी है। तो इसका वैल्यू किसके इक्वल आएगी, यहाँ पे ई की 1 और ई लिमिट रखते ही आंसर आ जाएगा। ई रखेंगे तो ये तो ई और ये हो जाएगा 1, ई माइनस 1 पे वैल्यू 0, तो वैल्यू कितनी आ गई ई। और ये किसके बराबर बोल रहा है, ई की पावर लैम्डा, तो ई इक्वल टू ई की पावर लैम्डा, इसका मतलब लैम्डा का वैल्यू कितना हो गया 1। तो आंसर क्या आ जाएगा, सेकंड क्वेश्चन पे आ जाते हैं। सेकंड क्वेश्चन में एक इंटीग्रेशन है बॉक्स ऑफ एक्स स्क्वायर डी एक्स और नीचे एक्स स्क्वायर माइनस 28x प्लस 196। अब देखो इसको ध्यान से देखा जाए तो ये क्या है, एक्स माइनस 14 का होल स्क्वायर या फिर 14 माइनस एक्स का होल स्क्वायर। 14 माइनस एक्स इसलिए लिख देंगे क्योंकि पॉजिटिव रख लेते हैं ना अंदर, ये x क्या है बीच में आएगा, 14 से छोटा है ना x, 4 to 10 बॉक्स ऑफ एक्स स्क्वायर डी एक्स अपॉन में 14 माइनस एक्स और उसका स्क्वायर प्लस बॉक्स ऑफ एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स, तो लिख दिया। अब देखो 14 माइनस एक्स, ए प्लस बी माइनस एक्स वाला फॉर्मूला लगाएंगे इंटीग्रेशन का प्रॉपर्टी वो वाले, तो ये ऊपर क्या आ जाएगा 14 माइनस एक्स का स्क्वायर, नीचे ये एक्स स्क्वायर, ये 14 माइनस एक्स स्क्वायर, तो बेसिकली ऊपर ये चेंज हो जाएगा, उसको और इसको ऐड करेंगे तो क्या बन जाएगा 1। तो 2y इक्वल टू इंटीग्रेशन 4 टू 10 dx, ये कितना आ जाएगा 6। 2y का वैल्यू 6 है तो y का वैल्यू कितना हो गया 6/2 3, तो आंसर इसका 3 आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, इसमें क्वेश्चन नंबर थर्ड, थर्ड में क्या आ रहा है, इंटीग्रेशन करना है किस किस का, रूट टेन एक्स प्लस रूट कोट एक्स के समेशन का, कहाँ से कहाँ तक, 0 से π/4। इसको तो सीधा सीधा अपने को रूट टेन एक्स और रूट कोट एक्स को किस में रख देते हैं, साइन एक्स कोस एक्स में कन्वर्ट कर देते हैं, 0 से π/4। टेन एक्स को साइन एक्स अपॉन कोस एक्स लिखेंगे, इसको कोस एक्स अपॉन साइन एक्स, एलसीएम क्या आएगा सबसे पहले, रूट ऑफ साइन एक्स कोस एक्स, और ऊपर कितना आ जाएगा साइन एक्स प्लस कॉस एक्स डी एक्स। अब देखो मैं क्या अज्यूम कर रहा हूं, साइन एक्स माइनस कॉस एक्स इक्वल टू टी, उससे फायदा क्या होगा, ये तो हो जाएगा कॉस एक्स और ये हो जाएगा साइन एक्स, डिफरेंशिएशन करूंगा तो इंटू डी एक्स किसके इक्वल हो गया डी टी के इक्वल। यहां तक का काम हो गया, चलो लगा 0 से π/4 साइन एक्स प्लस कोस एक्स, ये तो बच गया डी टी, सॉरी 0 से π/4 नहीं हो, 0 रखेंगे तो लिमिट क्या हो जाएगी -1। -1 और π/4 रखेंगे तो लिमिट हो जाएगी 0 डी टी। अब देखो साइन एक्स कोस एक्स की वैल्यू हो चाहिए अपने को, इसका स्क्वायर करूंगा तो क्या आएगा 1 - 2 साइन एक्स कोस एक्स, और वो इधर ले आएंगे तो 1 - t/2 किसका वैल्यू हो गया साइन एक्स कॉस एक्स का, यही होगा सॉरी टी स्क्वायर, इसका स्क्वायर करना है तो टी स्क्वायर आएगा इधर, तो ये क्या आ गया रूट ऑफ 1 - t/2 रूट टू ऊपर आ जाएगा -1 से 0 डी टी अपॉन रूट ऑफ 1 - t/2। ये देखो ये इसका इंटीग्रेशन क्या होता है 1/t² का रूट के अंदर हो तो साइन इनवर्स टी, कहां से कहां तक -1 से 0 तक, रूट टू से मल्टीप्लाई भी हो रहा है साथ में, 0 रखेंगे तो 0, -1 रखेंगे तो -π/2, लेकिन माइनस बाहर एक और है तो -π/2 इंटू 1/√2 कितना आ गया π/√2। इसने क्या बोला है π/√2 लैम्डा, तो लैम्डा मतलब 1, 2 के साथ में 1 आंसर आएगा। क्वेश्चन नंबर फोर्थ आता है अपना नेक्स्ट पे, फोर्थ में क्या है वही लिमिट का क्वेश्चन है, इंटीग्रेशन वाली लिमिट बनानी है और सीरीज गिवन है कोस के अंदर, 2p पावर भी है कोस की और अंदर देखो जनरल टर्म क्या हो रहा है, कोस की पावर 2p तो सब में आ रहा है, लेकिन कोस की पावर 2p में क्या आ रहा है,
पाई बाई टू एन, टू पाई बाई टू एन, टू पाई बाई थ्री पाई बाई टू एन, टू एन भी सब में आ रहा है नीचे, और क्या आ रहा है, पाई भी सब में आ रहा है, और साथ में क्या आ रहा है, आर आ रहा है। कहाँ से कहाँ तक चल रहे हैं, देखो एन की जगह आर की जगह एन रखूँ तो एन से एन कैंसिल, तो एन तक ही जा रहा है। कहाँ से कहाँ तक जा रहा है, सिग्मा आर इक्वल टू वन टू एन, और बाहर एन है ही, और लिमिट क्या लग रही है, एन टेनिंग टू इनफाइनाइट। तो ये क्या बन जाएगा अपना, इंटीग्रेशन जीरो टू वन कॉस की पावर टू पी आर, सॉरी आर नहीं, पाई बाई टू इंटू एक्स डी एक्स, ये बन जाएगा पाई बाई टू एक्स, इसको मैं मान लेता हूँ टी, तो पाई बाई टू इंटू डी एक्स का वैल्यू कितना आ गया अपने पास में, डी टी। तो ये क्या हो जाएगी, इंटीग्रेशन टू अपॉन पाई, एक्स की जगह जीरो रखें टी जीरो, तो ये हो जाएगा पाई बाई टू कोस की पावर टू पी टी डी टी। अब देखो इसके अंदर क्या लग जाएगी अपने पास में, वालिस फार्मूला लग जाएगा, ऊपर तो आएगा टू पी माइनस वन, टू पी माइनस थ्री, ऐसे करके चलता जाएगा, और नीचे टू पी, टू पी माइनस टू, सब टू पी माइनस टू, ऐसे करके चलता जाएगा, और ये क्या है, मल्टीप्लाई में पाई बाई टू। तो पूछ क्या रहा है, ये बाहर वाले के बारे में चर्चा कर रहा है, टू अपॉन पाई, तो लेमडा का वैल्यू कितना हो गया अपने पास में, तो आंसर क्या आ गया, टू। क्वेश्चन नंबर चलते हैं नेक्स्ट अपना है फाइव पे, डी एक्स अपॉन ए प्लस बी कोस एक्स प्लस सी साइन एक्स, ये कुछ करना है। तो देखो इसमें क्या करेंगे अपन, सारा का सारा इसने तो वेरिएबल ही वेरिएबल दे रखे, चलो देखते क्या करते हैं। मैं क्या कर रहा हूँ, पहले तो टू पाई माइनस करूँगा तो इसमें कुछ चेंज हो सकता है, जीरो से पाई में ब्रेक कर दो इसको, डी एक्स अपॉन ए प्लस बी कॉस एक्स प्लस सी साइन एक्स प्लस पाई से टू पाई, पाई से टू पाई में क्या होगा, मैं एक्स की जगह टू पाई माइनस एक्स और रख दूंगा, एक बार लिख लेते चलो, पाई से टू पाई डी एक्स अपॉन ए प्लस बी कॉस एक्स प्लस सी साइन एक्स। अब देखो यहाँ 2 पाई माइनस एक्स रखूंगा तो क्या आएगा, माइनस डी एक्स बनेगा, और यहाँ पे तो आएगा पाई और यहाँ पे आएगा जीरो, तो लिमिट को चेंज करूंगा तो वो माइनस भी गायब हो जाएगा, तो यहाँ तक तो सेट बैठ गया। 2 पाई माइनस कॉस 2 पाई माइनस एक्स क्या आता है, देखो ये अपना कॉस एक्स का ग्राफ है, 2 पाई यहाँ पे है तो माइनस करेंगे तो कॉस एक्स एज इट इज आएगा, बट साइन में क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा, वो क्या आ जाएगा माइनस। तो इंटीग्रेशन की लिमिट तो यही आएगी जीरो से पाई दोनों में, बहुत सारी चीज़ें सेम है, जैसे ए और बी कॉस एक्स तो सेम है, यहाँ पे सी साइन एक्स है, लेकिन उसमें क्या हो जाएगा, बाकी सारी चीज़ें सेम रहेगी, सी के साथ में एक माइनस आ जाएगा, बस ए प्लस बी कॉस एक्स माइनस सी साइन एक्स। अब देखो दोनों में क्या करेंगे अपन, टेन एक्स बाई टू का फॉर्मूला डाल देंगे, वन माइनस टेन स्क्वायर एक्स बाई टू ओपन वन प्लस टेन स्क्वायर एक्स बाई टू, और फिर क्या कर लेंगे, अरेंज कर लेंगे, और फार्मूला किस पे, किस फॉर्म में बना लेंगे अपन, नीचे इस फॉर्म में बना लेंगे, एक्स माइनस समथिंग, एक में तो एक्स प्लस समथिंग बन जाएगा, और इसमें बन जाएगा एक्स माइनस समथिंग, सॉरी टेन टी माइनस टेन एक्स बाई टू को टी मान लेंगे तो यहाँ पर टी बन गया, और टी प्लस समथिंग और टी माइनस समथिंग, और यहाँ पर किसी ना किसी का इसका स्क्वायर ऐसे कुछ स्क्वायर बनेंगे प्लस के अंदर, तो वो क्या आ जाएंगे, टेन इनवर्स के फॉर्मूले में आएंगे, और लिमिट रखोगे ना तो इस फॉर्म में आ जाएगा आपको ये वाले फॉर्म, और आंसर आ जाएगा अपना लेमडा का वैल्यू के साथ में, काफ़ी लेंदी बनेगा तो आप लोग इसको कर सकते हैं, और लेमडा का वैल्यू अपने पास में आ जाएगा टू आंसर, इतना सब कुछ करने को। थैंक यू वेरी मच, ये अपना जेई एडवांस का कंप्लीट होता है।